नमस्कार, आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी चैनल और मैं हूँ श्वेता। जूनियर भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल न्यूजीलैंड में है, जहाँ वो वर्ल्ड कप 2018 अंडर 19 में हिस्सा ले रही है। पहले प्रैक्टिस मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद टीम इंडिया ने 100 रनों के बड़े अंतर से ऑस्ट्रेलियाई टीम और फिर 7 विकेट के बड़े अंतर से पापुआ न्यू गिनी को शिकस्त दी, जिसके बाद भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे को भी शिकस्त दी है। जी हाँ, टीम इंडिया लगातार विजय रथ पर सवार है और अच्छी बात ये है कि भारतीय टीम ने अब तक एक भी मैच इस टूर्नामेंट में नहीं हारा है। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 155 रनों का लक्ष्य दिया। बल्लेबाजी के दौरान जिम्बाब्वे की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे बेबस दिखाई दी और लगातार विकेट खोती रही। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 48.1 ओवर में 154 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट अनुकूल रॉय ने लिए। जी हाँ, अनुकूल रॉय ने इस मैच में 4 विकेट लिए, जबकि अभिषेक शर्मा और अर्शदीप शर्मा ने 2-2 विकेट झटके। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने को उतरी जिम्बाब्वे की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। जिम्बाब्वे को पहला झटका 7 रनों के अंतर पर ही मिल गया और बड़ी मुश्किल से जिम्बाब्वे की टीम 154 रनों के स्कोर तक पहुंच पाई। वहीं अगर भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम ने बिना अपना एक भी विकेट गवाए आसानी से 155 रनों के लक्ष्य को पा गई और इसी के साथ भारतीय टीम ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, रिकॉर्ड की बात करें तो अंडर 19 में भारत ने अब तक जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 मैचों में से एक भी मैच में शिकस्त नहीं पाई है। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 2005 में एफ्रो एशिया अंडर 19 कप के दौरान खेला गया था। ये बड़ी उपलब्धि है टीम इंडिया की कि इस टूर्नामेंट में लगातार पृथ्वी शॉ की कप्तानी में टीम इंडिया जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और बड़े अंतर से टीम इंडिया ये मैच लगातार जीत रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। खास खबरों के साथ हम जल्द लौटेंगे। सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी चैनल।